आज की दुनिया में जहां हम लोग इतना आगे निकल गए हैं, वहीं हमारे पास अपनों के लिए वक्त ही नहीं रह गया है। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपनों को ही पीछे छोड़ देते हैं, और कभी कभी वक्त ऐसी करवट लेता है कि हम चाह कर भी उन सारी चीज़ों और उन लोगों से दूर हो जाते हैं जिनके लिए हमारा दिल धड़कता है। हमारी कहानी एक 14 साल के बच्चे की है, जो और सारे बच्चों की तरह ही अपनी छोटी सी जिंदगी और छोटे से परिवार के साथ रहता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रोहन, हाउ आर यू? वेरी फाइन सर। अरे देखो रोहन आ गया। अरे रोहन, इतना लेट क्यों कर दिया? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी आज छुट्टी के वक्त हमारे टीचर मिल गए थे। रोहन घर पहुंचकर अपनी माँ के हाथों से खाना खाता है और उसे पता चलता है कि वो अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जा रहा है। वो बहुत खुश हो जाता है। बचाओ। एक्सीडेंट के दो दिन के बाद रोहन की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को पानी के बीच में पाता है। वो बहुत दुखी है और नहीं जानता कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। वो भूख की वजह से तिलमिला रहा है और खाने के लिए कुछ ढूंढता है, मगर उस लकड़ी के टुकड़े पर उसके अलावा बस एक लाश पड़ी है। भूख की तिलमिलाहट उसे उसी लाश को खाने के लिए मजबूर करती है। और जब वो लाश का हाथ उठाता है और खाने चलता है, तब उसकी नज़र उस हाथ की अंगूठी पर पड़ती है जो उसकी माँ की थी।